स्वागत है आप सभी का कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल पर। अब तक आपने सुनी वो कहानियाँ जो कुछ ना कुछ सीख देकर गईं। आज मैं आपको अपनी उस कहानी के सफर पर लिए चलता हूँ कि कैसे मैंने प्रोड्यूस की थी फीचर फिल्म राइनो। ये बात है सन 1987 के आसपास की। श्री अमोल पालेकर ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया CFSI के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था। श्री गुलजार और श्री TS नरसिम्हन जो कि मालगुडी डेज के प्रोड्यूसर थे, श्री पालेकर के साथ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। श्री अमोल पालेकर से पहले डॉक्टर वी शांताराम CFSI के चेयरमैन थे। श्री पालेकर चाहते थे कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ अच्छी बाल फिल्में बनाई जाएं। भाग्यवश CFSI के पास पहले से ही अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखित और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट द्वारा पब्लिश्ड बुक काजीरंगा ट्रेल के फिल्म राइट्स थे। पुस्तक की कहानी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित एक सींग वाले गैंडे के बारे में एक रोमांचकारी जंगल कथा थी। श्री पालेकर प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम करना शुरू करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म का निर्देशन करने के लिए अपने मुख्य सहायक चीफ असिस्टेंट श्री शशांक शंकर, जो प्रसिद्ध कोरियोग्राफर श्री सचिन शंकर के पुत्र भी थे, उनको चुना। तदनुसार शशांक और मैं लोकेशन हंटिंग के लिए मुंबई से आसाम के लिए रवाना हो गए। उस समय असम में असम गण परिषद की सरकार थी जो पहली बार सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार महंत और गृह मंत्री भृगु फुक्कन, जो दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच नहीं है। श्री फुक्कन ने हमें असम में फिल्म के निर्माण के लिए हर संभव मदद की थी। यूं तो फिल्म राइनो की शूटिंग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में होनी थी, मगर शशांक चाहते थे कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन को भी एक बार देखा जाए। मानस सेंचुरी दरअसल भूटान बॉर्डर से मिली हुई थी और टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए प्रसिद्ध थी। शशांक को लगा कि दोनों लोकेशंस का कॉम्बिनेशन फिल्म के साथ न्याय करेगा, और फिर लोकेशन हंटिंग के लिए हम दोनों मानस पहुंच गए। एक सुबह हम लोग हाथी की पीठ पर सवार होकर मानस सेंचुरी के लिए निकल पड़े। हाथी पर सबसे आगे महावत, उसके बाद शशांक और सबसे पीछे मैं बैठा था। मौसम सुहावना था, ऐसा ही जैसा कि इस वक्त यहाँ है। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मोर, बंदरों और पक्षियों की आवाज से सारा अरण्य, सारा जंगल गूंज रहा था। चलते चलते हम जंगल में थोड़ा अंदर आ गए थे, तभी पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। एकदम पक्षियों और जानवरों की आवाज भी बंद हो गई। शशांक ने महावत से पूछा, यह अचानक जानवरों की आवाजें क्यों बंद हो गई? महावत ने कहा, कुछ नहीं घबराने की बात साहब, टाइगर वाइगर होगा। अरे ये तो बीच जंगल में फंसने वाली बात थी। मगर महावत एकदम आराम से बैठा था। उसने हमसे कहा कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम हाथी पर ऊंचे बैठे हैं। जैसे ही हम उस नए वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक मुझे लगा कि मेरी पैंट की पिछली जेब में वजन कम हो गया है। हाँ, हाथ लगाया तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने अपना वॉलेट गिरा दिया था। हाथी पर बैठे बैठे हिलते हिलते वो निकल गया। उसमें सब कुछ था, हमारे हवाई टिकट, रुपए, आइडेंटिटी कार्ड। जब मैंने शशांक को इसके बारे में बताया तो वो तो पूरी तरह बौखला गया। कैसे होगा आगे का लोकेशन हंटिंग का काम? जब हमने महावत को बताया कि वॉलेट गिर गया है तो उसने हमें दिलासा दिया, कोई बात नहीं साहब, मिल जाएगा। इधर किधर ही गिरा होगा, हम लोग हाथी से उतर कर ढूंढ लेंगे। बिना पलक झपके शशांक ने कहा, मतलब हाथी से उतर कर सीधे टाइगर के मुंह में? लेकिन महावत के आश्वस्त करने वाले दृष्टिकोण और वॉलेट को खोजने के लालच में हम हाथी से उतर कर वॉलेट की तलाश में लग गए। जब हम घास फूस में वॉलेट ढूंढ रहे थे कि अचानक हमें झाड़ियों के पास गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। हमने डरते डरते महावत की ओर देखा। वो एकदम धीमे स्वर में बोला, डरने की कोई बात नहीं है, टाइगर है साहब, ये लीजिए सबका साथी। और कह के उसने हमारे हाथ में एक छोटी सी लकड़ी, बांस की लकड़ी कहिए, पकड़ा दी। शशांक ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या हम इस लकड़ी से टाइगर को दूर भगा सकते हैं, मतलब आकाश से गिरे और खजूर में अटके, ऐसा था। मुझे यकीन नहीं था कि हम अपनी खोज जारी रखूं या छोड़ दूं। और अचानक जैसे कहर टूट गया। तभी अचानक सामने झाड़ियों से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर हमारा हाथी भी बेचैन हो गया और वो भी गड़गड़ाहट की आवाज करने लगा। घबरा कर हमने महावत को देखा तो वो धीरे से बोला, साहब जब टाइगर आसपास होता है ना तो हाथी ऐसे ही आवाज करता है, मगर डरने की कोई बात नहीं है, आपका बटुआ ढूंढ के ही रहेंगे। जैसे ही वह हमें आश्वस्त कर रहा था, हमने देखा कि एक टाइगर सीधे हमारी ओर चला आ रहा है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, महावत ने अपने बांस की छड़ी से बाघ को भगाना शुरू कर दिया और जोर जोर से शोर करने लगा। हाथी भी और जोर से गड़गड़ाहट की आवाज करने लगा। शशांक और मैं भी हाथी और महावत के साथ कोरस में शामिल हो गए। अब बेचारा टाइगर पूरी तरह कंफ्यूज और भ्रमित होकर हमसे दूर भागने लगा। मौका देखकर हम भी टाइगर से दूर भागने लगे। महावत ने हमें बुलाया, साहब टाइगर तो भाग गया, आइए बटुआ ढूंढते हैं। तब तक मैंने अपना मन बना लिया था। मैंने कहा, बटुए को मारो गोली, हमें जंगल से बाहर निकालो। और फिर कुछ ही समय में हम बीट ऑफिस वापस आ गए।
हालांकि महावत को शत प्रतिशत विश्वास था कि वो वॉलेट ढूंढ लेगा, मगर हम जंगल में वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उस समय एक आईएएस ऑफिसर थे श्री तिवारी, जो असम में दिसपुर मंडल के कमिश्नर थे। उन्होंने हमारी मदद की और सुनिश्चित किया कि हम असम में रहते हुए लोकेशन हंटिंग के काम में कोई भी कसर न छोड़ें। उन्होंने हमारी हर तरह से मदद की थी। और यहां मैं ये स्वीकार भी करूंगा कि अगर श्री तिवारी का सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण नहीं होता इतना पॉजिटिव, तो हम अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते। बहरहाल राहिनो फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान एक और दिलचस्प किस्सा हुआ था। तुमने कभी स्कूल की शक्ल देखी? स्कूल नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? तेरा सर खच्चर कहीं के, पांच के आगे गिनती ही नहीं सीखी चोरी चकारी के चक्कर में। सौदा कितने सिंगों का हुआ था? कितने सिंगों का सौदा हुआ था तुम्हारे साथ, पांच या छह? बोलो कितने सिंगों का हुआ था? छह। तुम लाए कितने सिंग? कितने सिंह लाए तुम? अब छठे की जगह क्या तुम्हारी खोपड़ी साथ ले जाऊं? जो सुनेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, आपको ऑटोमेटिक अलर्ट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने बेल आइकॉन प्रेस किया हो। देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज़।